तो वात देशना टॉप 10 समाचार ने। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में केंद्रीय चूंटणी समिति की बैठक मिली। बिहार विधानसभा की सामान्य चूंटणी और गुजरात सहित राज्यों की पेटा चूंटणी उम्मीदवार नक्की कराशे। सोमवार सुधी में उम्मीदवार नाम थई शके छे जाहिर। बिहार की चूंटणी में प्रचार माटे कांग्रेस ना स्टार प्रचारकों की याद जाहिर। सोनिया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नाम सामिल। मीरा कुमार, गुलाम नबी आजाद, शक्ति सिंह गोहिल सहित नेताओं प्रचार करशे। राजस्थान करौली पुजारी हत्या केस में राजस्थान सरकारे पीड़ित परिवार की मांग स्वीकारी। राजस्थान सरकारे आरोपियों की धरपकड़ करने आश्वासन। परिवार सभ्य ने नौकरी, मकान, 10 लाख रुपया की आर्थिक सहाय आप। देश में महिलाओं साथ वधती जती गुनाहित प्रवृत्ति ने रोकवा तंत्र सजाग। एक बाजू यूपी हाथरस मामले राज्य सरकार घेरायेली है, त्यारे बीजी बाजू महिलाओं विरुद्ध वधती जती गुनाखोरी सामे विपक्ष सतत हमलावार थई रही है। त्यारे गृह मंत्रालय तमाम राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में एडवाइजरी जाहिर करी। एडवाइजरी में स्पष्ट आदेश कराया है कि एफआईआर नोंधावी फरजियात है। दुष्कर्म ने सूचना मळ्याना 24 कलाकनी अंदर तबीबी तपास करवाना आदेश आपवामां आव्या। साथ ज पुलिस कर्मचारियों ने आईपीसी और सीआरपीसी की जोगवाई पालन सुनिश्चित करवाना आदेश कराया। टीआरपी स्केम में रिपब्लिक न्यूज चैनले सुप्रीम कोर्ट में जवानी चीमकी उच्चारी। रिपब्लिक चैनल ना सीएफओ मुंबई पुलिस ने अपील करता कहूं कि टीआरपी स्केम मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में अरजी करशे और एक सप्ताह की अंदर सुनावणी थवानी शक्यता है। त्यां सुधी मुंबई पुलिस ने तपास शुरू न करने अपील करवामां आवी। नोंधनीय है कि मुंबई पुलिस की साथ स्केम अंगे ईओडब्ल्यू पण फेक न्यूज की जाहरात द्वारा करेली कमाणी की तपास करशे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना आत्मनिर्भर भारत अभियान थी चीन ने मोटो फटको। 5 महीना में चीन साथे व्यापार की खाद अर्धी थई गई है। भारतीय बजार में चाइनीज स्मार्टफोन की भागीदारी 9% घटाड़ा साथ 72% थी, जेनी साथे एप्रिल थी ऑगस्ट महीना सुधी भारत में थती निकास में 27% सुधारो जोवा मळ्यो। जो कि हजू पण भारत सरकार 20 चीज वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी लादवानी तैयारी कर रही है। लद्दाखनी एलएसी पर तनाव घटवानो प्रयास। भारत चीन वच्चे 7मा तबक्कानी मिलिटरी बैठक में एजेंडा नक्की करवा माटे आर्मी चीफ ऑफिसर और नेताओं की बैठक योजाई। चीन साथेनी बातचीत में फायर एंड फ्री कॉप्स ना कमांडर एंड लेफ्टनंट हरविंदर सिंह और लेफ्टनंट पीजेके मेनन ले पहुंचा। 12 ऑक्टोबरे पूर्व लद्दाखना चुशुल मोल्डो में योजाशे भारत और चीन वच्चे की बैठक। जो कि बैठक पहला ज भारते स्पष्ट करता कहूं कि पूर्व लद्दाख से सैनिकों ने हटावाना मुद्दे ज आगामी बातचीत होगी।